हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल मंडे को हम लोग कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच स्टॉक्स देने वाला हूँ जिसपे हम लोग कल ट्रेड करके चल सकते हैं, प्लस दो स्टॉक्स और होंगे जो आप लोग इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जब मैं वहां पे एक रील अपलोड करूंगा। ठीक है, तो वहां पर आपको दो स्टॉक्स मिल जाएंगे, यहां पर आपको पांच स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो इन टोटल आपके पास सात स्टॉक्स हैं जिसके बेसिस पे, जिसके डिसीजन पे आप लेके अपने स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी बैंक निफ्टी की मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप उसे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, और मैं उस वीडियो का लिंक यहां पर डाल दूंगा तो आप लोग यहां पर भी इजिली उसे देख लें। तो अब बात करते हैं सबसे पहले स्टॉक की। सबसे पहला स्टॉक आता है ईआईडी पेरी। क्या आता है? ईआईडी पेरी। गाइस, इस वाली वीडियो में आप लोगों को स्टॉक का नाम और टारगेट्स शो नहीं करेंगे, मैं वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा कि आप लोग कल मार्केट पे उसके बेसिस पे ट्रेड ले पाए। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है, उसके बेसिस पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, सो अभी केयरफुली सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं यहां पर भी टारगेट और स्टॉप लॉस और नाम बताऊंगा। ठीक है, स्टॉक का नाम है ईआईडी पेरी, बाय करने की सलाह दे रही है। आप यहां देख सकते हैं क्लियरली जो पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो ब्रेकआउट देने के बाद अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, और एग्जैक्ट अपने सपोर्ट लेवल से अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। प्लस इसने एक ट्रेंड लाइन का भी यहां पर आप देख सकते हैं, एक ब्रेकआउट दिया है ट्रेंड लाइन का। सो यहां पर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर एक अच्छी मूवमेंट स्टॉक के अंदर आ सकती है। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 330.50 पे। अगर ये 331.50 या 332 के ऊपर जाता है तो ऑलमोस्ट 338-340 तक के भी टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका स्टॉप लॉस जो होगा बेसिकली वो होगा फिर 328 का। क्या होगा? 328 का। मैं दोबारा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में लिखवा दूंगा, वहां पर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, तो वहां पर हमें फॉलो अप जरूर कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टॉक इज डीबीएल। ये स्टॉक मैं ऑलरेडी पहले भी प्रोवाइड करवा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, अब जब तक हम प्रोवाइड करवाएंगे जब तक इसका ब्रेकआउट ना आ जाए और हम लोग उस मूवमेंट को कैप्चर ना कर ले। ठीक है, आप पॉइंट समझ रहे हैं। अब देखिएगा, एक फॉल आया, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट ये इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। ये एक फॉर्म करने के बाद, डबल बॉटम फॉर्म करने के बाद एग्जैक्ट इसी रेंज के अंदर ही ये बार बार कंसोलिडेट कर रहा है। ये वहां पर बार बार हम लोगों को एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एग्जैक्ट इस लेवल पे। आप देख सकते हैं लास्ट थ्री कैंडल्स का जो हाई है, जो लास्ट थ्री कैंडल्स का जो टॉप है वो एग्जैक्ट बिल्कुल बिल्कुल सेम है। सो अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, स्टॉक का नाम है डीबीएल, ट्रेड कर रहा है 600 पे। हम लोग बाय करेंगे अबव 608 पे, हम लोग बाय करेंगे अबव 608 पे। हमारा टारगेट हो सकता है 620-618 का, और हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 602 का। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स पे मैं सेलिंग के लिए ही आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दूंगा, एंड यहां पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक क्या कर रहा है, एक मल्टीपल रेंज के अंदर ही बार बार कंसोलिडेट कर रहा था एग्जैक्ट इसी रेंज के अंदर, एंड इवेंचुअली इट गेव अ ब्रेकडाउन। यहां पर इसने बहुत क्लियरली देखी, यहां पर बहुत बार सस्टेन करा, उसके बाद एक शार्प फॉल के साथ इसने एक ब्रेकडाउन दे दिया इस पर्टिकुलर रेंज का, विच इज अ बैड साइन। ठीक है, ये एक बैड साइन है। तो अब हमें करना क्या है, अब हम लोग यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते हैं एक सेल साइड पे। ठीक है, सो स्टॉक का नाम है एस्कॉर्ट्स, करंट प्राइस पे जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 113.840। आप लोग इसे सेल कर सकते हैं बिलो 1136 के नीचे, बिलो 1136 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट 1124-1125 तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा 1141 का होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक इज अंबर। अंबर इंटरप्राइजेस पे हम लोग बाय करके चल सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लियरली ये एक रेंज के अंदर अपना पैटर्न फॉर्म करती है, उसके बाद हम लोग एक बहुत बढ़िया मूवमेंट देखते हैं। यहाँ पर भी हम लोगों ने एक सेम टाइप ऑफ सिनेरियो देखा, एंड यहाँ पर भी हम लोग सेम टाइप ऑफ सिनेरियो देख रहे हैं। आप देख सकते हैं एक शार्प अपमूव, उसके बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर गया, इट काइंड ऑफ फॉर्म्ड अप बुलिश पेनेंट पैटर्न। ये एक बुलिश पेनेंट पैटर्न है जो फॉर्म करा है।
ठीक है। सो अब इसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, ये आप देख सकते हैं प्रीवियस हाई का एक ब्रेकआउट आ चुका है। आई थिंक यहाँ पर हम लोग एक बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। और इंट्राडे में कल अगर एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है तो ये हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग का भी स्टॉक बन सकता है, बट कल की मूवमेंट पहले इंपॉर्टेंट होगी। ओके, स्टॉक का नाम है अंबर, करंट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 3226 पे, एंड आप लोग बाय कर सकते हैं अबव 3230 पे, एंड आई थिंक 3245 तक के हमारे टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट आप लोग इसका स्टॉप लॉस जो पुट कर सकते हैं 3222 पे, 3222 पे आप अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। स्टॉक का नाम है अंबर, ठीक है। लास्ट स्टॉक ये मैंने भी बहुत पहले दिया था, 3 दिन पहले, एंड ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक सेल साइड के लिए दिया था, आप यहां देख सकते हैं ये वाली कैंडल बनी थी, मैंने सेल साइड के लिए स्टॉक दिया था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक बुलिश कैंडल बन गई थी, बट नेक्स्ट कैंडल दोबारा नीचे आ गई थी। इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि स्टॉक ऊपर नहीं जाना चाह रहा, स्टॉक वीक है। तो हम लोग स्टॉक को अभी भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर ये ब्रेक करता है ये वाला लेवल, ये रेड लाइन अगर ब्रेक करती है तो एक हेवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक बार 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। ओके, 15 मिनट का चार्ट ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, ये भी आप देख सकते हैं, यस, दिस पर्टिकुलर रेंज के नीचे अगर आप लोग शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो मैं 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन कर देता हूं और आपको बता देता हूं कैसे शॉर्ट करना है। ओके, सो स्टॉक का नाम है सोलर इंडस्ट्री, करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 1254 पे, आप लोग इसे शॉर्ट कर सकते हैं जब ये 1244 को ब्रेक करेगा, एंड उसके नीचे मैं 10 से 15 रुपए तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूं, और 1:2 के स्टॉप लॉस के साथ आप इस पे ट्रेड करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मान के चल रहे हैं कि मुझे 10 रुपए का टारगेट चाहिए तो अपना 5 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, अगर आप 5 रुपए का टारगेट चाह रहे हैं तो 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना टारगेट चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि आप 40-50 रुपए तक के टारगेट चाह रहे हो, ठीक है। सो उस हिसाब से अपना पूरा का पूरा ट्रेड सेटअप बना के चलिएगा। सो आई होप मैंने आप लोगों को 5 स्टॉक्स रिकमेंड करे होंगे और यहाँ पर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा जो मैंने आप लोगों को पैटर्न्स के बेसिस पे सिखाया है। प्लस मैं ये दोबारा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे स्टॉक के नाम के साथ बाइंग एंट्री लेवल टारगेट एंड स्टॉप लॉस बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी समझनी है किस तरीके से हम एक्सपायरी से पहले पहले पूरे ट्रेड कर सकते हैं, तो वीडियो अपलोडेड है, यहाँ देख सकते हैं आपको वीडियो यहाँ पर शो कर रही है, आप डेफिनेटली इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और मई से हम लोग अपना सब्सक्रिप्शन प्लान दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी सारा डाटा फिल कर रखा है। सो मैं मिलता हूँ शिवांश भसीन आप लोगों से बाद में नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।